हेलो एवरीवन दिस इज जयश्री मुंद्रा आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया है वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जरूर देखिए जाकर एंड क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो सोल्यूशन पार्ट में देन यू प्लीज फील फ्री टू आस्क टू यूजिंग द कॉमेंट बॉक्स ऑल राइट तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया एंड बोला गया हम लोग पहले देख लेते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो कैन बी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो सो फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है ये कीवर्ड है किस चीज़ के लिए मल्टीप्लिकेशन ठीक है सो एडिशन अप्रैपशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इंग्लिश में जो दिए हुए होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए ना आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको uh, मालूम पड़ता चला जाएगा सो so, वो यर प्रोडक्ट इज़ फॉर मल्टीप्लीकेशन ठीक है सो so, बोला गया कि कोई भी दो होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट यानी कि दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है जीरो तो क्या हम कह सकते हैं कि या फिर उन दोनों में से दो नंबर है उन दोनों में से एक नंबर जीरो होगा या फिर दोनों ही नंबर जीरो होंगे क्या ये सही है हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू मीन्स क्या ये सही है कि नहीं पहले तो बताना है एंड अगर हम हाँ बोल रहे हैं तो हमें जस्टिफिकेशन देना है इस कि हम हाँ क्यों बोल रहे हैं ऑन वॉट बेसिस आर वी सेंग येस एंड इफ यू आर सेग नो देन ऑल्सो यू हैव टू से दैट ऑन सेट बेसिस यू आर नो यू हैव टू जस्टिफाइड बाई यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑल राइट सो कुछ सोच के हाँ या ना हम लोग uh, बोलेंगे राइट right? सो so, यहाँ पर है कैन बी से दैट वन और बोथ ऑफ देम नाउ जीरो इन टू जीरो इज जीरो तो सही है सो so, हम बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ देम विल बी जीरो अगर ऐसे एक नंबर ले टू दूसरा नंबर ले जीरो सो इज इट इसवल्स टू जीरो Yes, it is equals to 0. So, can we say that 1, so one of them will be 0. Then also we will get the answer as 0 or both of them will be 0. So, here both not them are 0. Hai, right? So, our answer is yes or no. Very good. Our answer would be yes. We can say that 1 or both of them will be 0. Examples, 3 into 0 is 0. 9 into 0 is 0. 2 into 0 is 0. जीरो राइट सो विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था सिर्फ हमें जस्टिफाई करना था दो तीन एग्जांपल्स लेके बताने थे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री सो क्वेश्चन नंबर थ्री भी हम लोग आज ही सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन यहाँ पे बोला है अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट वन है मतलब दो होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर वन आना चाहिए तो क्या एक होल नंबर अगर वन है तब हम किसी और होल नंबर सपोज वन यहाँ पर कोई और होल नंबर जैसे कि लेट्स से ज़ीरो सो क्या वन इंटू ज़ीरो वन होता है नो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू वन सो कैन वी से दैट वन ऑफ देम विल बी वन नो वी कैन नॉट क्योंकि अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड उन दोनों में से सिर्फ एक ही नंबर वन है तो आंसर जो है वो वन नहीं आएगा बट कैन वी से दैट बोथ ऑफ देम विल बी वन येस वी कैन से बिकॉज अगर हम वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो वन आएगा सो अवर आंसर वुड बी दैट दिस इज ओनली ट्रू वेन ईच वेन बोथ ऑफ देम आर वन राइट दैट इज़ वन इन 1 वन इज़ इक्वल्स टू वन एंड दिस विल बी आवर आंसर आई होप आप सभी को ये समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इजी है एंड येस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेरीज हो कोई भी फीडबैक्स हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हो एंड instagram पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो ऑल राइट देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग